वेजेस एंड इंसेंटिव्स प्लान के अंतर्गत हमने पूर्व के लेक्चर में हेल्सी प्लान, रोवन प्लान, गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम का अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम इमर्शन योजना या इमर्शन प्लान का अध्ययन करेंगे। इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है, अर्थात उस व्यक्ति ने जितने घंटे काम किया है उतने घंटे की तो उसको मजदूरी दे होती ही है। पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मानक समय निश्चित कर लिया जाता है, अर्थात टाइम एंड स्टडी इंजीनियर किसी भी कार्य को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम पूर्व में ही कैलकुलेट कर लेते हैं तथा इस मानक समय को 100% दक्ष माना जाता है, अर्थात जो व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम के अंदर किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी हम 100% मानते हैं। जिस श्रमिक की दक्षता 67% तक पहुंच जाती है, अर्थात किसी भी मजदूर अगर 67% तक दक्ष होता है तो उसे बोनस दे होता है, उसकी दक्षता से नीचे 67% से नीचे अगर किसी की एफिशिएंसी है तो उसको कोई बोनस दे नहीं होता है। अब सर्वप्रथम हमें किसी भी मजदूर की दक्षता निकालनी है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बहुत साधारण सा तरीका है, एफिशिएंसी और दक्षता इज इक्वल्स टू मानक समय डिवाइडेड बाय लिया गया समय इंटू 100, अर्थात हम मानक समय में लिए गए समय का भाग देकर हम उस व्यक्ति की दक्षता कैलकुलेट कर लेते हैं। जो श्रमिक कार्य को मानक समय अथवा कम समय में पूरा करते हैं उन्हें मानक समय की मजदूरी के अतिरिक्त बोनस भी देय होता है। बोनस की दर सामान्यतः निम्न प्रकार ली जाती है, 100% अथवा अधिक दक्षता के लिए 20% एवं 67% से 100% तक दक्षता के लिए 10% तक बोनस देय होता है, अर्थात जिस भी व्यक्ति की एफिशिएंसी 100% अथवा उससे अधिक होती है उसको 20% बोनस मिलता है और जो व्यक्ति 67% से 100% तक दक्ष होते हैं उनको 10% की राशि से बोनस देय होता है। यह बोनस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय पर दिया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति जितने टाइम के अंदर उस कार्य को पूरा करते हैं उतने समय का उसको बोनस दिया जाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी कार्य के लिए मानक समय 9 घंटे है, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स है तथा मजदूरी की दर 4 रुपये प्रति घंटा है। श्रमिक ए, बी, सी एवं डी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 14, 12, 9 व 8 घंटे लेते हैं। प्रत्येक की कुल मजदूरी कार्य को पूरा करने के लिए इमर्शन योजना के अंतर्गत ज्ञात करो तथा प्रत्येक श्रमिक द्वारा प्राप्त मजदूरी की दर प्रति घंटा भी ज्ञात करो। अब जो आपको स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है उसका आप अवलोकन करें। इसमें सबसे पहले हमने पहला जो कॉलम है वो है आपका सीरियल नंबर, 1 से लेकर के 8 सीरियल नंबर तक की हमको इसमें अध्ययन करना है। दूसरा जो कॉलम है गणनाओं का क्रम, अब पहले वाली रो के अंदर मानक समय है, मानक समय घंटों के अंदर, श्रमिक हैं, 4 श्रमिक हैं ए, बी, सी एवं डी, सभी श्रमिकों के लिए स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स है तो हमने पहली रो में सभी के आगे 9 लिखा है। दूसरी रो के अंदर मजदूरी रुपये में सभी की मजदूरी भी 4 रुपये प्रति घंटा है तो हमने दूसरी रो के अंदर सभी मजदूरों के आगे 4 रुपये लिखा है। तीसरी जो रो है वो है लिया गया समय घंटों में, 4 श्रमिक हैं ए, बी, सी, डी, ए जो मजदूर है वो किसी कार्य को 14 घंटे के अंदर पूर्ण करता है, बी मजदूर जो है उस कार्य को 12 घंटे में पूर्ण करता है, सी मजदूर है वो उस कार्य को 9 घंटे में पूरा करता है और डी जो मजदूर है वो उस कार्य को
8 घंटे के अंदर पूरा करता है। तो अब सबसे पहले हम उस व्यक्ति की दक्षता निकालेंगे। तो जो चौथी रो है उसमें हमने प्रतिशत दक्षता निकाली है। दक्षता हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100, अर्थात मानक समय डिवाइडेड बाय लिया गया समय मल्टीप्लाई बाई 100। जो ए मजदूर है उसने 14 घंटे के अंदर कार्य को पूरा किया है, स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स है, 9 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी दक्षता ए मजदूर की हो गई 64.3%। बी मजदूर ने 12 घंटे के अंदर कार्य को पूरा किया है, स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई स्टैंडर्ड टाइम 9 डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम 12 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 9 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू 75%। अर्थात जो बी मजदूर है उसकी दक्षता 75% है। सी मजदूर जो है उसने 9 घंटे के अंदर कार्य को पूरा किया है, स्टैंडर्ड टाइम भी 9 घंटा है, 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 100%। तो सी मजदूर है उसकी दक्षता 100% हो गई। चौथा जो मजदूर है डी, उसने उस कार्य को 8 घंटे में ही पूर्ण कर लिया है। तो मानक समय 9 डिवाइडेड बाई लिया गया समय 8 मल्टीप्लाई बाई 100 और दैट इज इक्वल टू 112.5%। अब सबसे पहले हम बोनस की गणना करेंगे। बोनस की गणना, जो ए मजदूर है उसकी एफिशिएंसी 64.3% है, अर्थात 67% तक जिसकी एफिशिएंसी है उसको ही बोनस दे है, उसके नीचे की एफिशिएंसी पे कोई बोनस दे नहीं है, इसलिए ए मजदूर को किसी भी प्रकार का बोनस दे नहीं है। और 67% से 100% तक एफिशिएंसी पर 10% बोनस दे है। तो बी मजदूर को, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 75% है, उसको 10% की राशि से उसके लिए गए समय पर बोनस दे है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 12 लिया गया समय 12 आवर मल्टीप्लाई बाई 4 रेट ऑफ वेज पर आवर एंड दैट इज इक्वल टू 4.80 रुपीस। जो सी मजदूर है इसका एफिशिएंसी 100% है, अर्थात 100 किसी व्यक्ति की या श्रमिक की एफिशिएंसी 100% या उससे अधिक है उसको 20% की दर से बोनस दे है। तो इस व्यक्ति को 20% सी जो मजदूर है इसका जो बोनस है 20% के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2 और मल्टीप्लाई बाई 9 उसका लिया गया समय मल्टीप्लाई बाई 4 रेट ऑफ वेज पर आवर एंड दैट इज इक्वल टू 7.20 रुपीस। जो डी मजदूर है इसका एफिशिएंसी 112.5% है, तो इसको भी 20% की दर से बोनस दे है। तो इसका बोनस हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8 उसका लिया गया समय, उसने 8 घंटे के अंदर उस कार्य को पूरा किया है, मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6.40 रुपीस। अब छठी रो के अंदर हम उसकी सामान्य मजदूरी रुपयों में कैलकुलेट करेंगे। जो पहला मजदूर है ए, उसने उस कार्य को 14 घंटे में पूरा किया है, तो इसकी सामान्य मजदूरी हो गई 14 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 56 रुपीस। बी मजदूर है, उसने उस कार्य को 12 घंटे के अंदर पूरा किया है, तो इसकी सामान्य मजदूरी हो गई 12 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 48 रुपीस। सी मजदूर है, उसने उस कार्य को 9 घंटे में पूरा किया है, तो इसकी मजदूरी हो गई 9 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 36 रुपीस। जो डी मजदूर है उसने मानक समय से भी कम समय के अंदर उस काम को पूरा किया है, तो इसलिए इसको सामान्य मजदूरी मानक समय की तो मिलनी ही है, इसलिए इसकी मानक समय की मजदूरी 9 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 36 रुपीस। अब हम इसकी सारे मजदूरों की कुल मजदूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो ए मजदूर है इसको कोई बोनस दे नहीं है, अर्थात इसकी कुल मजदूरी जो सामान्य मजदूरी है उतनी ही होगी 56 रुपीस। जो बी मजदूर है उस बी मजदूर की सामान्य मजदूरी है 48 रुपीस,
और इसको बोनस जो है वो 4.80 रुपीज़, तो इसकी कुल मजदूरी हो गई 52.80 रुपीज़। सी मजदूर है, सी मजदूर की सामान्य मजदूरी जो है वो 36 रुपीज़ प्लस जो बोनस है 7 रुपये 20 पैसे, तो इसकी कुल मजदूरी हो गई 43.20 रुपीज़। जो डी मजदूर है, डी मजदूर की सामान्य मजदूरी है 36 रुपीज़ और इसको बोनस 6 रुपये 40 पैसे है, तो इसकी कुल मजदूरी हो गई 42.40 रुपीज़। इसके बाद हम आठवीं रो के अंदर प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी की दर प्रति घंटा ज्ञात करेंगे, प्रति आवर हम उसकी मजदूरी की दर कैलकुलेट करेंगे। जो ए मजदूर है उसकी कुल मजदूरी है 56 रुपीज़ और वो उसने 14 घंटे के अंदर अर्न की है, तो उसकी मजदूरी की दर प्रति आवर हो गई 56 डिवाइडेड बाय 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4.0 रुपीज़। बी मजदूर है, उसकी कुल मजदूरी है 52.80 रुपीज़ और वो उसने 12 घंटे के अंदर अर्न की है, तो इसकी मजदूरी की दर प्रति घंटा 52.80 डिवाइडेड बाय 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4.40 रुपीज़। सी मजदूर है, उसकी कुल मजदूरी 43.20 रुपीज़ और वो उसने 9 घंटे के अंदर अर्न की है, इसलिए इसकी मजदूरी की दर प्रति आवर 43.20 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 4.80 रुपीज़। और जो डी मजदूर है उसकी कुल मजदूरी है 42.40 रुपीज़ और ये मजदूरी उसने 8 घंटे के अंदर अर्न की है, तो इसकी मजदूरी की दर प्रति आवर 42.40 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5.30 रुपीज़। तो ये आखिरी रो को देख करके हम ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि जिस मजदूर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, अर्थात डी जो मजदूर है या जी डी जो श्रमिक है, इसकी एफिशिएंसी 112.5% है, तो ऐसा मजदूर जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है उसकी रेट ऑफ वेज पर आवर भी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए, ए जो लेबर है उसकी रेट ऑफ वेज 4.0 रुपीज़ है पर आवर, बी जो लेबर है उसकी रेट ऑफ वेज पर आवर है 4.40, सी जो लेबर है उसकी रेट ऑफ वेज पर आवर 4.80 एंड डी जो लेबर है उसकी रेट ऑफ वेज पर आवर है 5.30। अर्थात डी जो लेबर है उसकी रेट ऑफ वेज इन चारों मजदूरों में सबसे अधिकतम है या सबसे मैक्सिमम।